की घोषणा हुई है, साथ में उपचुनाव की भी घोषणा हुई है। बिहार में भी 4 सीट की घोषणा हुई है, हम लोग इसमें पूरी ताकत से लड़ेंगे। महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे और बिहार की चारों सीट NDA जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार सहित अन्य राज्यों में चुनाव होना है, हालांकि बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उस पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा स्वाभिमान हिंदू यात्रा जो है वह निकाला जाएगा, हालांकि इसको लेकर भी खूब सियासत देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ पहले बयान के जरिए कहा है, उनकी पूरी बातों को। चुनाव की घोषणा हुई है, साथ में उपचुनाव की भी घोषणा हुई है, बिहार में भी 4 सीट की घोषणा हुई है, हम लोग इसमें पूरी ताकत से लड़ेंगे। महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे और बिहार की चारों सीट NDA जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं और गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं, अच्छी बात है, यात्रा सबको करनी चाहिए। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर कुछ समाज में विद्वेष पैदा करने की कोशिश करेंगे तो। अरे गिरिराज सिंह जी भारत सरकार के मंत्री हैं, मोदी जी के कैबिनेट के सदस्य हैं और वो जब यात्रा पे निकलेंगे तो द्वेष कैसे फैलाएंगे। भारत सरकार के मंत्री तो सबको जोड़ने की बात करेंगे और अगर वो निकल रहे हैं यात्रा पे, इस पे और लोगों को इतराज़ क्यों हो रहा है। पीके ने भी उम्मीदवार उतारा है चुनाव में, कुछ चुनौती था कि हर जगह जीतेंगे, हार गया जिलेबी बांट लिया कि नहीं, बिहार में भी जिलेबी खूब बंटी। झारखंड में क्या होगा सर, झारखंड में बताया हमने, झारखंड में स्पष्ट बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, बिहार में जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर भी लेकर कहा कि वह खुद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का हिस्सा हैं, उनके यात्रा से किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं होगा। बता दें कि वहीं महागठबंधन की ओर से तमाम नेताओं ने भी तंज कसा है और कहा है कि जहाँ नीतीश कुमार जो है सुशासन की सरकार बताते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार के शासन काल में हिंदू अनसेफ है, क्या गिरिराज सिंह को यह यात्रा निकालना उचित है। हालांकि NDA के द्वारा यह कहना है कि ये जो है किसी एक व्यक्ति के पर्सनल यह यात्रा जो है निकाला जाएगा, इसमें ना कोई पार्टी का योगदान है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का, तो इस पर टिप्पणी करना जो है कहीं से उचित नहीं होगा। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पर कहा कि यह यात्रा बिहार में भले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह निकाल रहे हों, लेकिन यह यात्रा से किसी प्रकार का कोई द्वेष जो है उत्पन्न नहीं होने वाला है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।